जट्टा टीम आप सबका आने के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए बॉम्बे आने में. फर्स्ट ऑफ ऑल कि बॉम्बे से सिनेमा ऑपरेट होता है, वर्ल्ड में यहाँ से सिनेमा जाता है, पहला एक वो रीजन था बॉम्बे आके ट्रेलर लॉन्च करने का. दूसरा एक रीजन ये था कि आमिर सर अगर ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो ही हैज ए मिडास टच. इन्होंने पहली 100 करोड़ की फिल्म इंडिया को दी थी तो मुझे लगता है हमारी पहली पंजाबी फिल्म भी 100 करोड़ टच कर सकती है इनके आने से. सो दिस इज द रीजन कि हम लोग सब आपके शहर में हैं. सो आपका प्लीज पैन इंडिया में सपोर्ट चाहिए होगा इस फिल्म को घर घर में लेके जाने के लिए. थैंक यू सो मच. क्योंकि इनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होती है. आपके अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी याद. नहीं नहीं फ्लॉप हुई थी भाई. हाँ थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी लोगों के दिलों में. आज भी होम एंटरटेनमेंट बहुत चली है बाद में. हाँ तो आज आपके सामने एक असली कॉमेडियन है और एक असली एक्टर आप खुद हैं. तो आपको नहीं लगता कि ये दो लोग मिलके अगर फिर से एक फिल्म ऐसी बने तो वो भी यादगार साबित होगी? लाइक कपिल शर्मा. कपिल एंड मी डूइंग अ फिल्म टुगेदर. अरे आई वुड लव दैट यार कपिल. ये तो बढ़िया. हां हां वही मैं पूछ रही थी. आई वुड लव दैट. आप परफेक्शनिस्ट हैं और वो हम लोग के सबके दिलों के मतलब बादशाह हैं कॉमेडी के लिए. मेरे भी दिल के राजा हैं. आई वुड लव टू डू. थैंक यू वेरी मच. होने के लिए इसका मतलब लड़की खानदानी है क्योंकि तेरी मां ने तो 2 मिनट लिए थे. पूरा ये था वो मैंने काटा ट्रेलर में. आमिर यूजुअली यू नो पीपल आई मीन द स्टार्स व्हेन द फिल्म इज तो हर फ्रेंचाइज को आपको बेटर करना था होता है तो इसमें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्रेशर तो होगा ही आपके. एक्चुअली मैं आपको बताऊं जे कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है जी. मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसें. एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत. तो मतलब हम जब बैठते थे कसमीप जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार का जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी सब कुछ हो चुका था तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है. मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं वो इन बिटवीन कोई भी सीन है आप उसमें भी बहुत हंसोगे. सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है मतलब इतनी भी लाउड ना हो. तो वो एफर्ट हमने किया और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने विजुअली अच्छी हो लोकेशंस अच्छी हो क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है जब लोकेशन बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़. और एक छोटा सा बड़ा चेंज ये भी है कि जितने में हमारी कैरियर जट्टा फर्स्ट बनी थी ना उतना बजट ट्रेलर लॉन्च में हो रहा है अभी. तुसी मानते हो जिप्पी साहब की जे कुड़ी 4 दिन लेवे सेट होने वास्ते कुड़ी खानदानी होएगी तो ये तो मेरे पिताजी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं लड़की सेट होने में तो इसका मतलब लड़की खानदानी होगी. तो क्या अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है पहले एज अ साउथ इंडियन ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी में थी कि यू नो कई बार साउथ इंडियंस को टाइपकास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में. अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाबी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा आई मीन गोगी पाजी ने भी बहुत सही एक बात कही थी कि यू नो अक्सर यू नो उनको एक जोकरों की तरह दिखाया जाता है. तो आपको क्या लगता है कि कहीं आपके फिल्मों के थ्रू क्या बदलाव लाया जा सकता है एटलीस्ट अबाउट द कम्युनिटी? कोई भी आंसर कर सकते हैं. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. जैसे मैं फिर मेरे जबान पे वही नाम आ जाता है जैसे जब
आप थ्री इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंड सेटअप बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई इमेज क्यों नहीं चेंज की जा सकती। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो कॉमेडी आप देख रहे हैं ना, ये कॉमेडी है, ये लोगों को हंसाने के लिए होती है। इसमें हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दावा करूं कि हम लोग ऐसा रियल पंजाब इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक सीरियस एफर्ट दिखा रहे हैं आपको कि सिंसेरिटी और मेहनत से जब काम किया जाता है। तो सबसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और चीज़ें चेंज हुई हैं। हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट सीजन में हम लोग आते थे ना, तो जब मैं पगड़ी बांधता था वहाँ पे, तो सारा क्रू जो हैरान होता था कि आप पहले कपड़ा खोल लेते हैं, फिर इसको ऐसे पोनी करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि ये बनी बनाई आती है, उठाते हैं और ऐसे रखते हैं। तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड को पगड़ी बांधना सिखाया कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। पहले रेडीमेड पगड़ियां यहां बनती थी तो बहुत फूहड़ लगता था वो सब, और अब लाल सिंह चड्डा में जो पगड़ी आमिर साहब ने बांधी है, और रॉकेट सिंह में जो रणवीर ने जो बांधी थी, तो आप देखिए ना, जो अक्षय भाई ने जी करदा में जी करदा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि पगड़ी का क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने पगड़ी से ये चेंज करना शुरू किया है, सब कुछ चेंज करेंगे, बताएंगे असल में पंजाब क्या है, असल में पंजाबी क्या है। थैंक यू। For this event, before this, you were also there for a book launch a couple of months ago. You know, since we see you so much in social events now, we still miss you on social media. With the kind of, you know, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at the right time and you are now spending more time in public, in so, like, I have no idea. मुझे आइडिया नहीं है, मात के सब अब हम दो और क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है, लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन चड्ढा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है, इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ, और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी। जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा ज़रूर, मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ। लुक कुछ नहीं है। नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था कुछ, हमने वैसे भी वो चीजें देखी नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीपा जी की एक फिल्म देखी थी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी चक दे फटे, तो उसमें कुकी पाजी भी थे, पल्ला साहब भी थे, मैं मेरे को छोड़ के बाकी के से, और बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फिल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मैं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करें कि कोई फिल्म देख के आते हैं, तो ये फिल्म लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फिल्म देखने गया, मेरे हम चार लोग थे, तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम चार ही लोग थे बस, तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो चार ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल है कि ये क्या फिल्म देखेंगे, कि चलते हैं, पूरा थिएटर में चार लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फिल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं।
आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब खत्म हुई। हम चार लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया। तब मैंने इनको बोला कि पाजी फिल्म करनी है, अब कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी, बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, क्योंकि पाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी, उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक सो, नानक नाम जहाज है। और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड के जाने माने ना ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक सो, क्या रीज़न है, और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा। मैं आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना। आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाबी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट। अगर मुझे कभी मौका मिले, आप कभी बताना। मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ, आपको एक अच्छी सी कॉमेडी लिखी है मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है। हाँ, इनसे मुझे अंदाजा था, अच्छी की मैंने इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना, कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट, बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे। हाँ, जरूर, जरूर मैं करना चाहूंगा। तो समीप पाजी, जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी। आपसे भी एक सवाल है, फ्रेंचाइजी है ये, बाकी की दो फिल्में देखी हैं, कैरी ऑन 1-2? मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी से। अरे मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में, मैं एक्चुअली इसको 2-3 दिन पहले फ़ोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए। एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली से ज़्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले। तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ, और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका, तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुराता था जब हुआ है, तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है, तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ। तो मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया ये यार, एक गलत बात है। देखो इससे पहले कि वो कुछ नहीं बोलते भाई, आप कपिल से एक कदम आगे हूं। हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे। और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं, कट उसी का 3 साल बाद मिलते हैं। सो आप आएंगे तो भाई मैं 100% आऊंगा। लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या है मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं? तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को, और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है, और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है, फल्ला साहब इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब, और गिप्पी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में यू नो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने गिप्पी पाजी ने यहाँ पर प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप जी, और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया, और अभी ये इस फ्रेंचाइज का 3rd पार्ट जो है आ रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और
लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे बाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे RRR अगर ऑस्कर में जाती है तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है। हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है, और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा है उसको प्रमोट होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए, और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है। लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जैसे जैसे आपके मन की हो, जैसे राइटर के मन की हो, बिल्कुल डबिंग से रीच बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज तो नहीं, तो जो टू आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहां पे मत देखना, वो रीच घट जाएगी हमारी। हां वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो, हां डबिंग सही हो, सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल सर गुड टू सी यू, आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, हमें तो इल्म नहीं था, पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मान रहे थे, फिर अचानक आप भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में, और क्या आपने अप्रोच किया कि आप चाहते हैं कि वो आए और ट्रेलर को लॉन्च करें, आमिर सर का क्या रिएक्शन था, और जैसे ऑडियो स्टार्टेड, जैसे कई बार गुगीबाजी ने कहा कि धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हैं हर चीज के लिए। अच्छा क्या ये एक्चुअली मैं जनरली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीएर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं क्या हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है, मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं क्या हाँ जी भाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है, मैं क्या भाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि भाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि शायद क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पंजाब आते हैं जब हमारे घर आते हैं वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ इनसे बात करता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि स्टार जैसे कुकीबाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी जिंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने बाजी। आमिर सर प्लीज आप, और सर वैसे गिब्बी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था, आमिर भाई की बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग, बट आई हैव टू से दैट गिब्बी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है, तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार मैं कब आना है। बस आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? और क्योंकि बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मैंने ना कैरी ऑन चट्टा 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में, इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें, और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको, दिस इज़ अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज़ टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा। कुकीबाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं, और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुकी पाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़ा कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो पाजी अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर।
अच्छा इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूं नहीं मैं जितना बोल रहा हूं। तू ठीक कर रहा है यार, यहां भी मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैं पहले चेक कर लेता इसने। माइक दे दीजिए, मेरे कुछ सवाल हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पंजाबी सिनेमा को इतिहास को यहाँ इतना गर्वित महसूस होगा। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच गिप्पी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो वन आई थी वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और टू ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब थ्री जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द एंटायर टीम। समी जी, गिप्पी भाई आप बाकी बातें मुझे लगता है बाद में करेंगे, पहले ट्रेलर देख लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि सबटाइटल डाले हैं तो आपको पूरा समझ आए कि ट्रेलर है क्या, अगर नहीं भी समझ आया, क्योंकि मुझे किसी ने, हमारे पीआर वाले जो हैं यहाँ घूम रहे, इन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में ये भी पैटर्न चलता है कि जो पीछे वाली कुर्सियाँ हैं उनमें आप किराए के बंदे ला के बिठा लो, क्योंकि वो ताड़ियाँ मारते हैं। शायद पिछली दो तीन फिल्मों का, जो बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रीमियर हुआ वहाँ पे कुछ ऐसा था, मुझे इन्होंने बताया शायद। अच्छा हाँ, तो कहते हैं कि मुझे पहले बता दे, मैं भी कर लेता यार। तो कहते हैं ऐसा कुछ बड़ी जरूरत पड़ी मुझे लास्ट टाइम। मैं क्या, नहीं मैं क्या, वो नहीं, हम लेके आएंगे, हम मीडिया वाले को बोलेंगे अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप ताड़ियाँ मारना प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पंजाबी सिनेमा को, इतिहास को यहाँ इतना गर्वित महसूस होगा। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच गिप्पी कि आपने मुझे इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये पंजाब की जो फिल्म है कैरी ऑन जट्टा जो वन आई थी वो सबसे बड़ी कामयाब फिल्म रही है, और टू ने शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब थ्री जो है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर, सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट सोनम टू यू एंड टू गिप्पी एंड द एंटायर टीम। समी जी, गिप्पी भाई आप और शब्द कम है मेरे पास तो मैं इनकी तारीफ को क्या कर सकते हैं, वो अभी हम नीचे बात करें, जब आंखें खुली तो कयामत से कयामत तक थी, और उस कयामत ने जिंदगी में ऐसी कयामत लाई है कि आज हम मुंबई पहुंचे हैं।